मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश संगठन समन्वयक ने रीवा में पत्रकार वार्ता करके भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर कई सवाल उठाए। उनका कहना था, मुझे जानकारी हुई है वंदे भारत ट्रेन रीवा में चलाने के लिए सांसद कह रहे हैं कि मुझे पत्र लिखा है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी पत्र नहीं लिखा। अगर पत्र लिखा हो तो जनता को दिखाएं। यही नहीं, रीवा से बेवारी पड़ने वाली रोड जिसमें आधा काम लगभग हो गया है का उद्घाटन करने का अब बीच में कोई औचित्य समझ में नहीं आ रहा है। आइए आपको सुनाते हैं, कांग्रेस के प्रदेश संगठन समन्वयक गुरमीत सिंह मंगू ने पत्रकार वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा। कांग्रेस के प्रदेश संगठन समन्वयक गुरमीत सिंह मंगू ने रीवा में पत्रकार वार्ता करके भारतीय जनता पार्टी के रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के उस बयान पर आपत्ति दर्ज कराई जिस पे उन्होंने कहा था कि हम नगर निगम का चुनाव रीवा कमिश्नर की वजह से हारे। इसका मतलब है जितने भी चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी जीतती है, वो सब अधिकारियों के दम पर जीतती है। इस तरीके से सवाल उठाते हुए गुरमीत सिंह मंगू ने अन्य कई बातों पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना था, जिस तरीके से रीवा व्यवहारी मार्ग जब आधा काम हो गया का भूमि पूजन, कुछ बात समझ में नहीं आई। क्या भाजपा केवल श्रेय लेने का काम करेगी? सांसद के सवाल पर काफी तीखे तेवर नजर आए गुरमीत सिंह मंगू के। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान गुरमीत सिंह ने क्या कुछ कहा। परसों भूमि पूजन हुआ रीवा व्यवहारी मार्ग का। सांसद जी ने बयान दिया अपने उद्घोषण में कि रीवा का महापौर का चुनाव हम प्रशासनिक अधिकारी आईएएस आईपीएस के कारण हार गए, आयुक्त मीणा के कारण हार गए। तो सांसद ने जब खुद ही स्वीकार किया और खुद ही बोल रहे हैं कि हमें प्रशासनिक अधिकारियों के दम पे हम जीतते व हारते हैं, तो मीणा शायद उनकी लाइन का नहीं था इसलिए वह रीवा नगर निगम का चुनाव हार गए। तो यह सहजतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वीकार कर रहे हैं कि हम सत्ता में बैठ के प्रशासनिक उपयोग करते हैं और अपने लोगों को चुनाव जितवाते हैं और अपने लोगों को ही चुनाव हरवाते हैं। साथ ही उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंद के मामले पे एक बयान दिया कि वंदे भारत का प्रस्ताव हमने संसद में दिया हुआ है। तो मैं रीवा जिले के आम जनमानस की तरफ से सांसद जी से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने वह प्रस्ताव दिया है तो उसकी कापी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया रीवा की जनता को उपलब्ध कराएं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, सतना महापौर ने एक पत्र वंदे मातरम ट्रेन के लिए लिखा और एक भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथी हैं गौरव तिवारी जी, उन्होंने लिखा। अगर सांसद जी ने प्रस्ताव भेजा है तो उसकी कापी तुरंत रीवा की जनता को उपलब्ध कराएं, क्योंकि 6 लाख लोगों ने उनको वोट दिया है। उन्हें यह मालूम चले कि हमारा सांसद सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, और 18 लाख लोग रीवा जिले के जाने कि रीवा के सांसद झूठ भी बोलते हैं। आप आपके सामने है, वंदे भारत का प्रस्ताव सांसद ने भेजा उन्होंने, तो मैं तो उनसे बोल रहा हूँ कि वह सहजतापूर्वक कापी उपलब्ध करा दें। हमारी जो जानकारी है उसमें सिर्फ 2 लोगों ने पत्र लिखा था, एक पूर्व महापौर वर्तमान महापौर सतना योगेश ने और गौरव ने। अगर सांसद जी ने कहा है तो उसकी कापी उपलब्ध कराएं रीवा की जनता को। और साथ ही जो यह स्वीकार किया कि प्रशासनिक अधिकारी हमें चुनाव हरवाए हैं, तो इसका मतलब इससे पहले जितने भी चुनाव हुए रीवा की 8 सीट जीती गई वो प्रशासनिक तंत्र के दम पे जीती गई। ये सहजतापूर्वक उन्होंने बड़े भरे मंच में भाषण में कहा है। और सांसद जी की जो भाषा है और शिवराज की भाषा है, ये बीच बीच में कब अमर्यादित हो जाती है आपके सामने है। शिवराज का भी इसी तरह का हाल है कि कमलनाथ जी को कब अपशब्द बोल देंगे, सांसद का प्रशासनिक अधिकारियों को अपशब्द बोल देंगे, कब किस नेता को बोल देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके जो मुंह में है ना, वो लगाम अब बची नहीं है, वह लगाम अब इस बार जनता उनकी निकाल देगी। सांसद जी विवादों में रहते हैं, लेकिन सांसद जी इस बार पहली बार है कि मुझे लगता है कि रीवा जिले की जनता से झूठ बोल गए।
अगर वो प्रस्ताव की कॉपी सामने नहीं आती है तो रीवा जिले की जनता के साथ उन्होंने झूठ बोला है। नेता झूठ बोलते हैं, लेकिन ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जो जिले की जनमानस को अपमानित महसूस करे कि हमारा सांसद बोलता है प्रस्ताव भेजा, प्रस्ताव गया ही नहीं। प्रस्ताव की कॉपी में तो सिर्फ उनसे एक कह रहा हूँ कि आदरणीय, हमें प्रस्ताव की कॉपी रीवा की जनता देखना चाहती है। मैं विपक्ष की हैसियत से नहीं, मैं रीवा जिले के एक नागरिक की हैसियत से उनसे वो कॉपी देखना चाहता हूँ और रीवा की जनमानस को दिखाना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मोदी जी आए रीवा की धरती पे, कोई प्रधानमंत्री आ रहा है चाहे वो किसी भी दल का, उसका स्वागत है। बस मेरा विनम्र आग्रह है कि सीधी सतना सिंगरौली से भीड़ न ढोई जाए। पिछली बार अमित शाह आए थे, भीड़ सतना से आई, सीधी से आई, सिंगरौली से आई और उसमें आदिवासी भाइयों की मृत्यु हो गई और 25 से 30 के बीच में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती हुए। तो इस तरह का कोई व्यवहार बिंद की जनता के साथ ना हो कि भीड़ होने के चक्कर में कोई इस तरह की घटना दुर्घटना हो, इसका पहले तो विशेष ख्याल रखा जाए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दो चीज़ें स्वीकार कर ली है, सहजतापूर्वक स्वीकार कर ली, विनम्रतापूर्वक नहीं की, सहजतापूर्वक स्वीकार की कि बिंद के अंदर कांग्रेस कमज़ोर हुई है। सतना में अमित शाह का आना, एक महीने पहले अमित शाह जी आए, 24 अप्रैल को आपका इनका आना, मोदी जी का आना, और साथ ही बिंद में सामंजस्य बनवाने के लिए जो आपसी विवाद चल रहा है उसमें कैलाश विजयवर्गीय का आना। तो बिंद के अंदर यह भारतीय जनता स्वीकार कर रही है कि हम बिंद के अंदर कमज़ोर हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी साफ दिख रही है कि परसों भूमि पूजन था और रीवा व्यवहारी मार्ग का भूमि पूजन था और विधानसभा अध्यक्ष रीवा के अंदर थे और उनको नहीं बुलाया गया। और गोविंदगढ़ सर्किल, रीवा दिवराज महाराजा मारता सिंह जी की कोठी, वो पूरा उनका सर्किल इलाका, वहाँ दिवराज भी मौजूद नहीं थे। तो भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी तो सड़कों पे थी, अब तो नालियों में दिखाई देने लगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।